सर पुलिस किन व्यवस्था में लगी, चूँकि आप आ रही हैं देवास के, पूरा बल जितना भी ड्यूटी पर लगा होता है वो सब आपके माध्यम से होता है, क्या मुकम्मल व्यवस्थाएं चल रही हैं पुलिस की ओर से? पुलिस की ओर से जो भी यात्री जो यहाँ से गुजर रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, कुछ पैदल भी आ रहे हैं, साइकिलों से आ रहे हैं, बड़ी गाड़ियों से परेशान हैं जी। और विप इंडस्ट्रीज यहाँ पर है, इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ करी है, हम इनका सहयोग कर रहे हैं और हमारा स्टाफ पूरा लगा हुआ है और सब सारी व्यवस्थाओं में जो भी मानवीय दृष्टिकोण को रखते हुए जो भी कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। सर ये भी देखने में आया कि जैसे रसूलपुर नाका है वहाँ पर जब लोग आते हैं परेशान होते हैं तो पुलिस उनको स्वयं भोजन के पैकेट दे रही है और साथ में वाहनों में को रोककर भी व्यवस्था कर रही है, तो पुलिस के लिए क्या मानवीय काम करने का ये बहुत अच्छा मौका मिला है पुलिस को? हाँ ये बिल्कुल बहुत अच्छा मौका मिला है ये मानवीय दृष्टिकोण से कि हम मानव सेवा को करें और लोगों के दुख में उनके सहयोगी बने ताकि वो आगे अपने गंतव्य तक अच्छे से पहुँच सके। पलायन लगातार मजदूरों का हो रहा है लेकिन उनको यहाँ देवास में सेवा भी बहुत मिल रही है, यहाँ पर लगातार बाईपास पर बहुत सारी सामाजिक संस्थाएँ हैं जो भोजन उनको करवा रही हैं और यहाँ से भूखे आगे नहीं जाने दे रही हैं, आराम की व्यवस्था भी की गई है। हमारे साथ वीपी के मैनेजर हैं जिन्होंने आज से शुरुआत की है और यहाँ पर भोजन, ये जब तक लॉकडाउन चलेगा इस बाईपास पर यहाँ पर भोजन ये लोग वितरित करेंगे। क्या शुभ नाम सर आपका? यज्ञेश गांधी। क्या व्यवस्थाएं आज से शुरू किया आपने? आज से हमने शुरू किया है और जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम उसमें हमने अभी पूड़ी और सब्जी की व्यवस्था करी है। आज सुबह से हमने 1200 आदमी को भोजन वितरित किया है। अच्छा। और जब तक लॉकडाउन रहेगा जब तक हम लोग अभी देख रहे थे कि दवाई वगैरह भी आप दे रहे थे। हाँ हमने ग्लूकोन डी, बच्चों को कभी कोई घबराहट हो रही है, किसी को पैदल आ रहे हैं उनको तकलीफ हो रही है तो उनके लिए हमने दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रखी है ताकि उनको हम सेवा दे सकते हैं वीपी इंडस्ट्री की ओर से। भारत एक देवास एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट्स हैं और वो लोग भी अब सेवा के क्षेत्र में उतर आए हैं और लगातार प्रशासन का सहयोग करके यहाँ से लोगों की सेवा को कर रहे हैं। देवास लाइव के लिए सौरभ सचान।